Audio Jungle. इस दे विच कोई खास कविता या लेख तुसीं दो शब्द बोल दो। इस विच मेरी मनपसंद दी कविता है तेरे साथ गुजरे, कुछ खास पल जो तेरे साथ गुजरे। यूं सोचती हूँ मैं, क्या तू भी सोचता है? कुछ खास पल जो तेरे साथ गुजरे, मैं यूं सोचती हूँ, क्या तू भी सोचता है? कि तेरा कुछ वक्त सिर्फ हम दोनों के लिए हो, कि तेरा कुछ वक्त सिर्फ हम दोनों के लिए हो। वक्त और हालात जितना भी चाहूँ तालमेल बनने नहीं दे रहे, जैसे प्रकृति भी हमें इंतज़ार के लिए बोल रही हो। सब कुछ सुनिश्चित करने के लिए फिर आ मिलते हैं, सब कुछ सुनिश्चित करने के लिए फिर आ मिलते हैं। वो सफ़ेद रंग का कारवां, वो सफ़ेद रंग की दीवारें, मगर वो सफ़ेद रंग का कारवां, वो सफ़ेद रंग की दीवारें, मगर हम काले लिबासों में काले रंग के गुलाबों पर बिखरे हम दोनों। वो ब्लैक कलर की कॉफ़ी और ब्लैक कलर के कप की आकृति में सजे हम दोनों। एक दूसरे को सुनने के लिए केंद्रित करें अपना ध्यान। आकर्षण से भरा भाव दोनों का हम दोनों के लिए, तेरी जिद हमेशा की तरह निहार लेना, तेरी जिद हमेशा की तरह निहार लेना, और मेरा मुंह बना के बोल देना कि जाना है। आंखों की एक टक घूर तेरा माथे को चूम लेना, आंखों की एक टक घूर तेरा माथे को चूम लेना। गले लगा सारी रात बातों में निकालना, चला कुछ खास पल फिर तय करते हैं, चला कुछ खास पल आज फिर तय करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मंडी गोविंदगढ़ की अज साल 2021 की पहली मीटिंग दे विच सारे साहित्यकार साथी शामिल होए ने। ये मीटिंग अज सरदार सुरजीत सिंह मरजारा जी की सरप्रस्ती विच और सभा के प्रधान श्री अनूप सिंह खानपुरी जी की प्रधानगी हेठ अज मीटिंग हुई है। इस मीटिंग का अज मुख एजेंडा जिहड़ा रहा है वह किरण पावा जी की बुक जिंदगी दे रंग का रिलीज़ रहा। अज की मीटिंग दे विच किताब रिलीज़ की गई है। मैं इन्हों बहुत बहुत सभा के बाकी मैंबरस वालों बहुत बहुत बधाई दिनी हाँ, तो उम्मीद करती हाँ कि जिंदगी दे विच इसे तरह ये अगे बढ़ते रहन और इसे तरह साहित्य की सेवा करते रहन। पावा जी, कोई खास ये गलबात तुसी की लिखी है? जिंदगी दी रंग किताब दे विच 14 राइटर्स ने, तो ये 14 दे 14 हिंदी दे अपने ही मारथी ने, तो इन्होंने अपने ही तरीके नाल जिंदगी दे रंग जिहड़ा टाइटल है किताब का उस टाइटल से अपनी अपनी कविता दी है। तो ये जिहड़े भी ने चार लोग विदेश तो ने, जी मीटिंग महीनावार होंगी है, याद रहे कि हरेक महीने का जो दूसरा एतवार होता है वो सारी मीटिंग जी सीनियर सैकंडरी स्कूल कन्या मंडी गोविंदगढ़ होंगी है, ये बहुत सारे जोड़े लिखाई भी आ बीबिया भैन तो वो बहुत ही अपने कीमती रुझेवों के समा कढ़ के अपनिया नज़म जो इतने नशर करते हैं। वो नज़म जुदियाँ ने असारू पक्ष तो समाज के वर्तारा जो कुछ हो रहा उन्होंने दसण वास्ते साडे लिखारी वीर भैं बहुत ही वधिया ढंग दे नाल उन्होंने वर्णन कर दिया ने। ते उस मीटिंग इस मीटिंग दे विच जो भी कविता या कोई लेख कोई गज़ल कही जाती है उहदे विच सारे ही बाकी बैठे लिखारी वीर जिहड़े बुद्धिजीव आ उन्हां वल्लों पुछिया जांदा वी इहदे वास्ते कोई सुझाव दिता जाए, तां करमबार जिन्ने भी लिखारी वीर बैठे हुंदे आ उन्हां तों सारी पक्ष की जिहड़ी आलोचना वो हुंदी है। तो वो लगता इस तरह हुंदा वी वो जिहड़ी आलोचना हैगी आ उहदे विच इन्नी ज़्यादा वो नज़म नूं पालिश हो जाती है कि वह कि जदों भी किसी अखबारां खालियां जां टीवी तो कहिंदे आ तां वो जिहड़ी नज़म आ एक समाज नूं चानण मनारा दे कम करदी हैगी आ। इस तरीके दे नाल लगातार जिहड़े आ साडे लगातार वीर वो असीं छा लैंदे ने बढ़ चढ़ के,
ਤੇ ਸਾਰੂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ।